सामने आई और उसके बाद आप देखिए इंट्राडे में तो स्टॉक ये है स्टॉक आज एक्शन में। कैस्ट्रॉल में एक्शन की वजह क्या है वरुण बताएंगे हमें। तो अनिल जी इनका इनका ऑयल भी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं रिलेटेड सेक्टर ही है। और यहाँ पे बेसिकली एनालिस्ट डे हुआ था और वहाँ पे काफ़ी कुछ कमेंट्री जो है इस कंपनी के तरफ से सामने आई और उसके बाद आप देखिए इंट्राडे में तो स्टॉक में करीब 4-5% के आसपास की तेज़ी देखने में थी। अब दरअसल मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया आगे का वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। देखिए ये कंपनी ऑलरेडी मार्जिन ड्राइव कर रही थी, इस कंपनी का कहना है कि आगे हमारा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के ऊपर होगा और वॉल्यूम्स को हम काफ़ी बढ़ाना चाहते हैं। काफ़ी सारे नए ब्रांड्स ये जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, टाइप्स ये कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में ये कंपनी ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, उसका बड़ा फायदा होगा। तो ये सब इस कंपनी के कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स में ऐड करेगा। ग्रामीण इलाकों पे ये ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं। मार्जिन्स इनका कहना है कि अभी भी 22 से 26% के रेंज में रहते हैं, आगे चल के भी इसी रेंज में रहेंगे, यानी कि मार्जिन्स इसी रेंज में रहेंगे और वॉल्यूम्स पे फोकस करेंगे। तो आप सोचिए ईपीएस ग्रोथ कितनी होने वाली है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि इंडस्ट्री से 4 से 5% ज़्यादा ग्रोथ जो है वो ये पूरी तरह से कर सकेंगे, ये इनका गाइडेंस है। कोर ल्यूब्रिकेंट्स कारोबार पे तो इनका फोकस है, इसके अलावा ईवी ट्रांसमिशन फ्लूड है और बाकी और प्रोडक्ट्स जो है वो ये कंपनी लॉन्च कर रही है। केपेक्स ये कंपनी बढ़ा रही है, कैलेंडर ईयर 2024 में अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स ये करने वाले हैं, जबकि पिछले साल इसका आधा था, यानी कि इस साल दुगना केपेक्स ये करने वाली है। तो केपेक्स बढ़ रहा है, वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ होगी, मार्जिन जो अभी डिलीवर कर रहे हैं उसी रेंज में रहने वाले हैं, इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ ये करेंगे। और इसके लिए आप देख रहे हैं इस कमेंट्री के बाद स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी, हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी में था, आज इस कमेंट्री के बाद 4-5% के आसपास के एडिशनल गेंस जो है वो स्टॉक में देखे गए हैं। ओके तो ये है आपके लिए कैस्ट्रॉल, जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। काफ़ी समय से इस स्टॉक पर चर्चा भी नहीं हुई है, बट जो टेकअवेज आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। केपेक्स भी कंपनी बढ़ा रही है, आगे के ग्रोथ पर भी आपके लिए एक अच्छा आउटलुक आते दिख रहा है। कुणाल जी एक बार कैस्ट्रॉल का चार्ट देखेंगे, 200 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है सर, 3.5% ऊपर। देखिए दीपांशु, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और बहुत अरसे बाद कैस्ट्रॉल में हमने ये आउट परफॉर्मेंस देखी है। काफी अरसे तक इस स्टॉक ने बाजार को अंडर परफॉर्म किया, नीचे के लेवल्स पर एक बेस बना, ब्रेकआउट आया और वहां से हम इसमें तेज रफ्तार तेजी देख रहे हैं। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, कोई सिग्निफिकेंट डिप प्राइस में आ जाए तो वहां खरीदारी के बारे में सोचें। मुझे लगता है ये स्टॉक अपना जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है या हाई कह लें वो है लगभग 260-265 का, उन लेवल्स को वापस रिक्लेम करेगा तो गिरावट में मेरी खरीदारी कराए। तो ये है आपके लिए कैस्ट्रॉल, जहां पर रखनी है आपको नजर। चोपड़ा साहब कोई व्यू रखते हैं या कवर करते हैं सर कैस्ट्रॉल? कवर करने की जहां तक बात है, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा एनालिस्ट होगा जो कैस्ट्रॉल को कवर नहीं करता। अनडाउटेडली एक बहुत ही अच्छा हमने सेटअप देखा, कंसोलिडेशन देखा, तेजी देखी स्टॉक में, और यहां से भी मुझे लगता है कि एक और राउंड होना चाहिए तेजी का, जो कि इसको अच्छी संभावना है 250 की ओर लेके जाए। काफी डीप वैल्यू है, अच्छा ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है कैस्ट्रॉल का, ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग है, और हालांकि तेजी हो चुकी है मगर यहां से भी मुझे लगता है कुछ और तेजी बन पाएगी, तो लगभग 250 के टारगेट के लिए इसको रखा जा सकता है। ओके